एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम बताने जा रहे हैं कि 1121 रुपया बैंक किस चीज़ का काटती है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का उनका अकाउंट है तो उसमें जो है उनका 1121 रुपया कट गया, वो किस चीज़ का कटा है। सबसे पहले बात की 1121 रुपया जो बैंक है वो ऐसा ही नहीं काटती है, वो बैंक का कोई सिस्टम होगा तभी तो वो आपका काटा है। क्योंकि देखिए, अगर डेबिट कार्ड की बात करें तो डेबिट कार्ड का जो चार्ज है वो इतना नहीं है। या आपको एक साल पहले मिला, एक भाई ने मुझे ऐसे कमेंट किया कि उनको जो है एक साल पहले डेबिट कार्ड मिल चुका है लेकिन उसका जो है अब डेबिट कार्ड का चार्ज कटा है, या कोई भी चार्ज जिसमें चार्ज जो है 1121 रुपया। और देखिए, सबसे पहले जो चार्ज है वो 1121 रुपया कोई भी एटीएम कार्ड का चार्ज नहीं है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। क्योंकि आप अगर उसके वेबसाइट पे जाते हैं या ऑनलाइन थ्रू अप्लाई करते हैं तो हाईएस्ट चार्ज है 500 रुपया है लास्ट, जो कि वीज़ा डेबिट कार्ड और कई बिजनेस डेबिट कार्ड के जो है 500 प्लस चार्ज है, जिसमें 18% जीएसटी भी लिया जाता है। लेकिन 1121 रुपया ये जो है अदर चार्ज है। इसे आप कैसे देख सकते हैं? सिंपली आपको जो अगर ऑफलाइन अकाउंट ओपन किया है, आपके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है, तो आप बैंक विजिट करके आप वहाँ जो है प्रिंट करवा के देख सकते हैं। वरना आप अगर ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं अपना पासबुक, सेंट्रल एम पासबुक रजिस्टर्ड करके आप काफ़ी आसानी से देख सकते हैं। रजिस्टर्ड वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन या प्रोफाइल वाले सेक्शन पर मिल जाएगा। रजिस्टर करके आप अपना पासबुक किस चीज़ का पैसा कटा है वहाँ रीजन लिखा होता है 1121 रुपया। मान लीजिए अगर डेबिट कार्ड का कटा होगा तो वहाँ मेंशन किया होगा कि आपका डेबिट कार्ड का 1121 रुपया काटा गया। या मान लीजिए वो किसी बैलेंस माइनस चार्ज भी होता है, क्योंकि अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो इस प्रकार के चार्ज भी बैंक जो है वसूल कर रही है। ऐसे में आपका बैलेंस माइनस चार्ज भी काटा जा सकता है। या अगर आप, हो सकता है अगर कुछ मैंडेट करवाते हैं कई लोग, और कई लोग अलग सिस्टम से जो फाइनेंस करवाते हैं बैंक सिस्टम से, उन चीज़ों का अगर कटा हुआ, मान लीजिए किसी का जो फाइनेंस रिलेटेड या कुछ भी अदर इशू नहीं है फिर भी पैसा कट रहे हैं, वहाँ अगर रीज़न आपको नहीं मिलता तो आप बैंक विजिट करके पूछ सकते हैं। या हेल्पलाइन नंबर पे, सबसे पहले जो है हेल्पलाइन नंबर ऑप्शन है, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके घर बैठे ही पता लगवा सकते हैं। मान लीजिए आपको हेल्पलाइन नंबर पे पता नहीं लग रहा है, तब जो है आपको बैंक विजिट करना, और बैंक जो है इसका 100% सोल्यूशन आपको बताएगी ये पैसा क्यों कटा है, किस कारण से कटा। अगर मान लीजिए बैंक की गलती होती तो वो आपको पैसा जो है रिफंड या रिटर्न मिल जाएगा आपके अकाउंट में ही, और बैंक ऐसे ही 1121 नहीं काटती, वो किसी जो है कारण से ही काट रही है। आई होप कि आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब।